नमस्कार दोस्तों, ये मैं दो तीन कलर के गुलाब के पौधे लेकर के आई थी। कुछ दिन हो गए लाए हुए और तभी देखिए इनकी जो फूल है ना, इसमें जो थे ये कई दिनों तक रहे, उसका सूख गए और मैं लगा नहीं पाई इनको। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना कि आप पौधे नर्सरी से खरीद कर लेकर के आएँ और आप उसको अगर टाइम नहीं हो लगाने का और न लगा पाएँ कुछ दिनों तक, तो एक काम ज़रूर करिएगा, जो ये गमले वाली प्लेटें होती है ना, इस तरह से गमलों को प्लेटों में रख दीजिए और फिर उस तब पानी डाले करिएगा, तो ये आपके पौधे ज़्यादा दिनों तक चल जाएंगे, कम से कम 10-15 दिन तो या 20 दिन चल ही जाएंगे। और देखिए इस वाले फूल, ये वाला जो कि रेड और येलो के शेड में ये फूल है, और देखिए फूल भी सूख गया और कितनी ब्रांचेज आ गई और इसमें कलियां भी आ गई हैं। देखिए सभी में कलियां निकल गई हैं, इसमें भी कलियां निकल गई हैं। देखिए तो थोड़ा टाइम हो गया मुझे इसको नहीं लगा पाई मैं, लेकिन फिर भी देखिए पौधा मेरा अच्छा खासा है, वो सिर्फ इसी कारण से क्योंकि मैंने इसको इसे प्लेट में लगा कर रखा था, पानी डालती थी, और इनमें भी देखिए इतनी ब्रांचेज आ गई हैं कई सारी, तो आज मैं इनको लगाने जा रही हूँ। तो गुलाब तो बहुत लोग लगाना चाहते हैं, इतना सुंदर फूल होता है पर सबके यहाँ लग नहीं पाता है या वो अच्छे फूल ले देता है। तो सबसे अच्छा होता है उसका सॉइल मिक्सचर, कि आपका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए कि आपका फूल जो है गुलाब का ज्यादा दिन चले और खूब अच्छी फ्लावरिंग करे और पौधा हेल्दी हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे उसकी मिट्टी तैयार करें। ये चार पौधे हैं, ये रेड है, ये भी रेड है, और ये जो कि व्हाइट कलर का फूल है, तो इन चारों को एक साथ ही लगाऊंगी। इन चारों गुलाब के पौधों को लगाने के लिए चार गमले लिए हैं मैंने। इन तीनों में सर्दियों के पौधे लगे थे, सूख गए हैं तो खाली हो गए हैं, और एक ये खाली है, और ये देखिए इसी गमले में ना टमाटर का पौधा निकला हुआ है और इसमें टमाटर भी निकला है। ये पौधा तो ज़्यादा लग रहा है मुझे चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको मैं उखाड़ूंगी नहीं, इसी में रहने दूंगी, तो उसको मैं देखती हूँ कैसे एडजस्ट करते हैं ताकि मेरा पौधा भी टूटे और मेरा गुलाब भी लग जाए इसमें। तो सबसे पहले तो इन गमले की मिट्टी को खाली करना है, और खाली करके इसमें फिर और खाद मिलाएंगे। हालांकि इसमें खाद मिली हुई है, लेकिन फिर भी जब नया पौधा लगाते हैं और खासकर गुलाब, तो उसमें कुछ चीज़ डालना ज़रूरी होता है ताकि पौधा अच्छे से चलता रहे। ये टमाटर का पौधा भी देखिए निकल गया, इसमें मिट्टी निकालने चक्कर में मैंने बहुत कोशिश की कि इसको रहने दूँ, पर ये रह नहीं पाया, मतलब रह नहीं पाया से इसकी जो कि जड़ें ना कटने लगी थी, कि मैंने सोचा कि इसको निकाल दूँ और फिर मैं दूसरे गमले में इसको इसमें शिफ्ट कर दूँगी, इसमें लगा दूँगी, तो ये अगर चल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। कोशिश करूँगी इसमें लगाने की मैं भी, चल जाइए। तो सारे गमलों की देखिए मिट्टी मैंने इनसे खाली कर दी टब में, और खाली करके फिर इसी में इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करूँगी। ये तीनों गमलों को खाली करके मैंने मिट्टी रख ली है, ये है और थोड़ी सी मिट्टी ये है, और इस मिट्टी में ही हम सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे इसका। तो सबसे पहले देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट गुलाब की खाद में जरूर डालेंगे। गोबर की खाद डाल सकते हैं, पर गोबर की खाद से ज़्यादा नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट में होता है, और नाइट्रोजन जो कि हमारे गुलाब के पौधों में फूल खिलने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, और बहुत ज़्यादा पौधे भी हेल्दी रहते हैं और बहुत फूल खिलते हैं और बड़े बड़े साइज में फूल खिलते हैं। खैर अभी तो गर्मियां हैं तो उतना बड़ा साइज नहीं होगा जितनी ज़्यादा सर्दियों में होता है, लेकिन फिर भी फूलों की मात्रा ज़्यादा होगी और फूल भी अच्छे खिलेंगे, तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ इन चारों पौधों के हिसाब से। और इसमें थोड़ी सी सैंड, देखिए सैंड अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। सैंड से क्या होता है ना कि हमारी मिट्टी भुरभुरी होती है, वो जड़ों में चिपक के नहीं रहती है, और जड़ों को जो कि अच्छे से फैलने का पूरा जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, मिट्टी भुरभुरी होती है तो पौधे भी हमारे हेल्दी रहते हैं। और गुलाब के पौधों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ एक होती है जो हमारे घर में यूज़ होती है, देखिए चाय की पत्ती, चाय जो हम लोग बनाते हैं और चाय फेंक देते हैं उसको धुल करके अच्छे साफ करके पूरा उसका चाय पत्ती सॉरी अदरक और तुलसी पत्ता जो भी कुछ हम डालते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें सब निकाल करके और पूरी चीनी की मिठास कई बार धुलेंगे, और देखिए इस तरह से धुल के मैं स्टोर कर लेती हूँ और अपने गुलाब के पौधों में डाल देती हूँ। इसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलता है जो हमारे गुलाब के पौधों में फूल खिलने के लिए काफ़ी सहायक होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल जरूर करिए, एक बार देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो नाइट्रोजन और ये चाय की पत्ती बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे गुलाब के लिए। गुलाब के पौधों को लगाते समय उसमें नीम खली जरूर डालिए, तो मेरे पास अभी नीम खली नहीं है, तो देखिए मैंने नीम की पत्तियों को सुखा कर रखी हुई है, तो मैं इनको ही डाल दूंगी इसमें। आप नीम की पत्ती भी डाल सकते हैं क्योंकि काम सेम होता है दोनों का, नीम खली का और नीम पत्ती का, और नीम खली डालना इसलिए ज़रूरी है या नीम की पत्ती कि पौधे में ना जब हम लगाते हैं कोई नया पौधा तो उसमें किसी तरह का फंगस ना लगे, फंगस को रोकती है ये नीम खली, तो इसलिए नीम खली मिलाना ज़रूरी होता है, तो उसको अच्छे से इसमें मिला देंगे, और ये चाय पत्ती भी डाल देंगे इसमें, और ये वर्मिंग कंपोस्ट भी, ये चार पौधों के लिए काफ़ी है, और ये बालू भी। और इन सबको बहुत अच्छे से मिला देंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए और पौधों को सब जगह बराबर बराबर में मिले। इसको
उसको सबको बहुत अच्छे से मिला दिया है। अब इसके बाद इन सभी पौधों को पॉलीबैग से निकालेंगे। पॉलीबैग से इतने अच्छे से निकालना है ताकि पूरी मिट्टी से निकल जाए अच्छे से और मिट्टी इसकी डैमेज न हो और जड़ें भी न खुले, तो सावधानी से इसको निकालना पड़ता है। ये देखिए चारों ही पौधे खोलने के बाद ये देखिए इसकी मिट्टी अच्छी है, इसकी मिट्टी को ज्यादा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये तीनों की देखिए मिट्टी लाल है, ये लाल मिट्टी ना सही नहीं होती है, तो जितनी कोशिश हो सकेगी मैं हटा दूंगी, लेकिन ज्यादा हटा दूंगी तो जड़ें भी खुल जाएंगे और पौधे के सूखने डर रहता है, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा ज्यादा हटा दूं ताकि पौधा हमारा अच्छे से लग जाए। पर इसकी मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि मिट्टी इसकी अच्छी है और ये वाली मिट्टी ही लगी होनी चाहिए पौधों में। सबसे पहले मैं इसी वाले पौधे को लगा देती हूँ। देखिए मैं इसको रख दिया है और रखने के बाद ना जितनी भी किनारे गैपिंग है ना, इस गैपिंग में जो मैंने खाद बनाई है ये वही वाली मिट्टी डाल दूंगी। देखिए इसके किनारे मैंने मिट्टी भर दी है और ये पौधा लग के तैयार है। अब मैं इन तीनों को भी लगा रही हूँ। ये देखिए इस पौधे को मैंने देखिए इतने ज्यादा निकाल दिया मिट्टी इसकी, पर अब ज्यादा नहीं निकालूंगी, ज्यादा निकालू जड़े खुल जाएंगी। इसकी खुल तो चुकी ही है, फिर भी इतनी देखिए मिट्टी मैंने निकाली इतनी दिख रही है। इसी तरह से मैं सभी पौधों को निकाल लूंगी और इसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी मैंने और इसको लगा रही हूँ। इसके किनारे किनारे भी जो खाद बनाई है ना सॉइल मिक्सचर, उसी को डाल देंगे। ये देखिए चारों ही पौधे गुलाब के मेरे लग के तैयार हैं। और देखिए जो पॉलीबैग में मिट्टी होती है ना ये लाल वाली, मेरे में निकाल दिए। हालांकि मिट्टी वेस्ट नहीं है, जो मैं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से तैयार करती हूँ ना खाद, मैं उसमें डाल दूंगी, तो ये मिट्टी भी यूज हो जाएगी, ये अच्छी हो जाएगी। तो आप अपने गुलाब के पौधों को जब भी लेकर के आइए तो इस मिट्टी को जरूर हटाना चाहिए, वरना पौधे ज्यादा चल नहीं पाते हैं। और मैंने इनकी मिट्टी हटाकर लगा दिया है, तो उम्मीद है कि अच्छे से चलेंगे। और अब इनमें थोड़ा सा पानी डाल देना है सभी में। और ये जो फूल सूख चुके हैं ना, जिनमें भी ये फूल सूख चुके हैं, उनको काटना जरूरी है, काट देंगे तभी इनकी अच्छे से ग्रोथ होगी। सभी को मैंने पहले काटा नहीं, याद नहीं रहा मुझे, पर अब मैं काट देती हूँ। सभी मैंने पानी डाल दिया है और इन सबको भी कुछ दिन में सेमी शेडेरियम रखूंगी, उसके बाद में हल्की धूप में रखूंगी। सेमी शेडेरियम इसलिए ताकि पौधा जो है कि अच्छे से गमले में सेट हो जाए और जड़े उसकी अच्छे सेट हो जाए ताकि पौधा अच्छे से चलने लगे। और इस समय तो नर्सरी पे बहुत ज़्यादा गुलाब की वैरायटी आ रही है, कलर डिजाइन आ रहे हैं, तो आप जरूर गुलाब पौधे लेकर के आइए ताकि आप सर्दियों में भी इंजॉय करें। और अभी भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।